हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइब्रोमायल्जिया और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फाइब्रोमायल्जिया का मतलब एक एक फाइबर, मसल का एक एक फाइबर जब ऐसा लगता है बॉडी में पेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं फाइब्रोमायल्जिया। मायल्जिया मतलब पेन। अब ये सॉफ्ट टिश्यू पेन भी होता है, यानी कि जहाँ जहाँ पेशेंट को लगता है कि मेरा मसल है या बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पेन ना हो रहा हो, और ये इतनी मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है पेशेंट के लिए तो उसको बता पाना मुश्किल है कि मुझे पेन कहाँ कहाँ हो रहा है। स्पेशली उसका ये नेक एरिया से लेके किसी एक आर्म में हो रहा होगा या पूरी की पूरी बॉडी में हो रहा होगा, वो रेगुलर पेन रहता है और स्ट्रेसफुल कंडीशन से और बढ़ जाता है, तो इसी को फाइब्रोमायल्जिया बोलते हैं। और ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो अब आपको बताऊँगा मैं कि फाइब्रोमायल्जिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और इसके साथ साथ नींद ना आना, स्टिफनेस होना पूरी बॉडी में, सारे जॉइंट्स और मसल्स का पेन होना, तो ये जैसे रिमेटोलॉजिस्ट में रिमेटिक फीमर में होता है उसी तरह से ये कंडीशन में भी होता है। तो फाइब्रोमायल्जिया के बारे में हम सिम्टम्स कॉजेज सब जानेंगे और साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो अब देखते हैं फाइब्रोमायल्जिया में पेशेंट फील क्या करता है, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं। फाइब्रोमायल्जिया में होता है उसको पेन एंड स्टिफनेस, मतलब पूरा एरिया वाइड स्प्रेड पेन होगा उसको किसी भी एरिया में, पूरे ऐसा लगेगा पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, हेडेक से लेके अपर बैक से लेके लोअर बैक पूरी टांगों में पेन जा रहा है, ये हो गया पेन एंड स्टिफनेस। सेकंड आता है फटीग, इतनी फटीग होती है उसको कि उससे उसका दिल ही नहीं करता कोई काम करने को, हिलने को। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी मतलब ऐसा लगता है उसको हल्का सा टच भी करेंगे तो ऐसा करेगा बड़ा शूटिंग पेन हुआ उसको, इस पॉइंट में मान लो किसी के नॉट्स हैं उसको टच करेंगे तो उसके लगेगा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये हो गया एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। पुअर स्लीप, उसको नींद नहीं आती बिल्कुल, काफ़ी देर तक वो जागता रहता है, ये हो सकता है कि पेन की वजह से जाग रहा हो, फटीग की वजह से जाग रहा हो, या उसको वैसे नहीं नींद आ रही। फिफ्थ आता है हेडेक, सीवियर हेडेक होता है पेशेंट को और कई भी जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो नेक्स्ट आया कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है और साथ में स्पीच स्लर्ड स्पीच हो जाती है, वो मतलब जहाँ पे हमें कंसंट्रेशन करना होता है किसी काम में या कोई आई से कंसंट्रेट करना है, स्पीच से कंसंट्रेट करना है, तो वो चीज़ें वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको काफ़ी दिक्कत आती है ये चीज़ करने में। सेवन्थ आता है डिजीनेस, ऐसा लगता है चक्कर ही सारे दिन आई आ रहे हैं और सारी कभी कभी वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उसको, लगता है जैसे पेट में आपको कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ चल रहा है या हमारे कोई आवाज़ें आ रही हैं पेट में, मतलब उसका दिल करता है कि बार बार टॉयलेट जाते रहे आते रहे पर उसको फील कुछ नहीं होता, इसको IBS बोलते हैं, कुछ भी खाएंगे तो उसको कुछ मुश्किल आएगी बाउल में, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। साथ में आता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जैसे ज़्यादा ही उसको किसी चीज़ के कोई भी सोच है, कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है तो उसमें एंक्शियस हो जाता है ज़्यादा, या हमें डिप्रेशन होने लग पड़ता है। पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये और भी, जैसे ये पेन एंड स्टिफनेस है ये हमारे रिमोटेड आर्थराइटिस में भी दिखती है, तो हमने इनको दूसरी चीज़ों से कैसे अलग करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये फ़िलहाल सिम्टम्स होते हैं, और ये आपने भी देखा होगा कि जब भी हम रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या हमारे पास कोई आरए रिमेटोइड आर्थराइटिस है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है किसी पेन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो भी ऐसे सिम्टम जब आते हैं कहीं को, मान लो 3 या 4 सिम्टम ही ऐसे आते हैं तो पेशेंट को वो बोलने लग पड़ते हैं डॉक्टर्स के आपको फाइब्रोमायल्जिया हो गया। अब फाइब्रोमायल्जिया हो गया तो पेशेंट घबरा भी जाता है, उसको पता भी नहीं लगता कि क्या करना, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, जो जो चीज़ आ रही है उसका ट्रीटमेंट करते जाओ तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो अब चलते हैं फाइब्रोमायल्जिया के कॉजेज की तरफ कि ये होता क्यों है, क्यों पेशेंट को फील हो रहा है फाइब्रोमायल्जिया, कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। तो सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मतलब पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो तो एक सिम्टम था, पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उसका जो कॉज है वो क्रिएट करता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इसलिए हमने क्या करना है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कोई चल रही है पेशेंट को तब प्रॉब्लम आ रही है पेट की प्रॉब्लम में, या हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया फीमेल्स में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है ये, तो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से प्यूबर्टी के बाद भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या लैक ऑफ स्लीप है, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, स्लीप एपनिया है, या कोई भी कारण से अगर वो सो नहीं पा रहा, प्रॉपर स्लीप नहीं है, तो तब भी हमें स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी में, तब भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, या मूड डिसऑर्डर्स है, केमिकल इंबैलेंस हो गया, हमारा सोडियम पोटेशियम लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है या केमिकल इंबैलेंस है, तो मूड डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है।
फिफ्थ आता है क्रॉनिक इलनेस, कोई भी क्रॉनिक बीमारी चल रही है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे प्यूबर्टी में लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो सोचते रहते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। सेकंड है मतलब क्रॉनिक इलनेस का मतलब, जैसे किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ल्यूपस एक डिजीज होती है, इन सब की वजह से एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो कि हमेशा बॉडी के साथ साथ चलेंगी प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी सोच सोच के या मेडिकेशन ऐसी उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो जॉइंट पेन तो करते ही करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी होता है, एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी होता है, तो वो सारा ऐसा लगता है पेशेंट को कि पेन ही पेन हो जा रहा है, तो ये क्रॉनिक इलनेस हो सकता है। सिक्स आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस, ये इसका एग्रेवेटिंग फैक्टर्स भी है, जब भी साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस आएगा बॉडी में, तब ये फाइब्रोमायल्जिया होगा ही होगा, क्योंकि जब भी कोई कंडीशन को हम ट्रीट नहीं कर पाते तो हम उसका स्ट्रेस का ही नाम देते हैं कि इस पेशेंट को कोई ना कोई स्ट्रेस होगा, चाहे वो मेंटल है, साइकोलॉजिकल, कईयों को वैसे कोई स्ट्रेस नहीं होता पर सोचने की आदत बहुत होती है कि हर चीज़ को सोचना है, उसके बारे में सोचना है जो अभी हुई भी नहीं है, तब वो स्ट्रेस बढ़ता है, तब हम कहते हैं कि बॉडी में फाइब्रोमायल्जिया, यानी कि हर बॉडी का पार्ट जो है वो पेन हो रहा है। तो अब चलते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो डायरेक्टली फाइब्रोमायल्जिया का आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो कॉज होता है, यानी कि जो कारण होता है प्रॉब्लम का, उसी को ख़त्म करें। अब मान लो किसी को पता लग गया कि उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट इसका करना शुरू कर दो, तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार ये भी देखा गया, अगर गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है तो उसका जो फ्रेनिक नर्व पे प्रेशर आता है, तब भी वो जो पेन है वो डाइवर्ट करता है, पूरा ऊपर की तरफ आता है पेन, तो काफ़ी जगह पे पेन करना शुरू करता है, तो पूरा का पूरा राइट पार्ट बॉडी का पेन होना शुरू हो जाता है, तो अगर हम उसको ट्रीट कर लेंगे तो वो भी बेटर होगा। तो मतलब हमने क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करना इसका बिल्कुल है नहीं, अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो जैसे स्लीप की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कारण पता करना पड़ेगा कि किस वजह से स्लीप नहीं आ रही, वो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें मेडिसिंस देते हैं ताकि, पेन किलर्स देते हैं ताकि उसका पेन कम हो जाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा होना चाहिए, उसके वॉक जरूर करो, वॉक करने से भी जो है बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा चलता है और उसको रिलीफ मिलता है। काफ़ी बार देखा गया कि फाइब्रोमायल्जिया में वॉक, एक्सरसाइज और जो ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं, नॉट्स बनते हैं, उनको हम अगर मसाज इफेक्ट दें तो उनको बड़ा फर्क पड़ता है। फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल होगी इसमें, जहाँ जहाँ पेन हो रहा है वहाँ पर हम टेंस थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी कर सकते हैं। और हाँ, कई बार क्या होता है, रिलैक्सेशन थेरेपी, जैसे हम किसी पार्ट पे किसी को आइस पैक लगाने से फ़र्क पड़ता है और किसी को क्या है हीटिंग पैड देने से फ़र्क पड़ता है। अब हीटिंग पैड जब हम देते हैं तो हमारी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, तो कई बार उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, पेशेंट को नींद भी अच्छी आती है। और जो इतना स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ सबसे पहले हमें बंद करनी पड़ेंगी, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, साइकोलॉजिकली हो, ये सारे स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हमें बंद करने पड़ेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट के भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से तो रूमेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। विटामिन डी लेवल्स अपने पूरे रखिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी काम है। विटामिन डी जितना अच्छा रहेगा बॉडी में, उतनी हमारी लड़ने की जो कैपेसिटी होती है बॉडी की वो अच्छी हो जाती है। तो ये सारे स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ कम करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज और क्या किस तरह से फाइबर्स, नॉट्स को ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ।